don't buy KTM Duke 390. आज हम बात करने वाले हैं कि क्या इस बाइक को लेना सेंस होगा, बाय और नॉट बाय। बिल्कुल मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है और आप लोगों ने देखी है। उसके कमेंट सेक्शन में भरा हुआ है कि भाई साहब बेच दे इस बाइक को तू और 20 रुपये का पेट्रोल ला जला दे, साली ख़राब हो जाती है वो। मैं बताता हूँ एक्चुअली जो भी चीज़ें हुई है, चाहे इसका स्पार्क प्लग उड़ा है, चाहे इसका नीचे का जो है केस उड़ा है, वो क्यों हुआ है। चलो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। सो जितने जने ये सोचते हैं कि मैं ये बाइक को भेज दूंगा और मतलब कुछ भी कर दूंगा, वो लोग बहुत ही ज़्यादा गलत समझते हैं। देखो मैं अपने सनग्लासेस भूल गया तो आई कांटेक्ट नहीं होगा, तो इग्नोर करना उस चीज़ को। देखो यहाँ पे मैं क्लियर एंड कट बताऊँ, ये बाइक बहुत ही अच्छी है यार। मतलब अगर आपको ना, देखो सीरियसली बोलता हूँ, देखो अगर आपको विली पसंद आया तो ये बाइक बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि मैं इस पर ना बहुत ही प्यार से विली उठा लेता हूँ। देखो अगर आपको पिकअप पसंद है ना, बिल्कुल मतलब तगड़ा पिकअप चाहिए, तो फिर तो पक्का ये बाइक नहीं लेना, इसमें बहुत पिकअप है, ठीक है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये बाइक बेकार है बेकार है बेकार। मैं बताता हूँ कि ये बाइक दो बार क्यों खराब हुई, दोनों बार सर्विस सेंटर पे क्यों छूटी, ऐसी क्या बात थी, कितना खर्चा आया इस बाइक पे, आइए बात करते हैं उस बारे में। सो सबसे पहला पॉइंट कि इसका स्पार्क प्लग उड़ा। देखो स्पार्क प्लग किसी भी बाइक का उड़ सकता है और कभी भी उड़ सकता है, कैसे भी उड़ सकता है। स्पार्क प्लग है यार, करंट जिससे मतलब बॉडी में करंट जाता है, यानी बाइक की बॉडी में करंट जाता है, वो है, वो कैसे भी खराब हो सकता है, उसको हम कुछ नहीं कहते। लेकिन मेरे को उसका रीज़न पता है कि मेरा स्पार्क प्लग क्यों खराब हुआ। एक्चुअली जिस दिन दिल्ली में और नोएडा में बहुत ही तगड़ी वाली बारिश हुई थी, हाँ नोएडा जिसमें गरीबों का मनाली बना था, मैं तभी की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं उस दिन अपनी गाड़ी लेके बाहर गया हुआ था और मैंने अपनी बाइक को कवर नहीं कर रखा था, और मैं रहता हूँ LIG फ्लैट्स में, और वहाँ पे जो है पार्किंग नहीं होती, मतलब शेड नहीं होता, अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं होती, तो मेरी बाइक ज़्यादातर बाहर रहती है। क्या हो रहा था, जो भी पानी बाइक पे तो गिर ही रहा था, मतलब बाइक के ऊपर जो डिश टीवी था उसका पानी भी गिर रहा था और नॉर्मल वाटर भी गिर रहा था, फिर ओले भी पड़ गए। तो वो क्या था, वो इतना सारा पानी मतलब भर के पानी वो है स्पार्क प्लग की जगह पे जाके जमा हो गया था, जिसकी वजह से स्पार्क प्लग उड़ गया था पूरा। उसके बाद भी हमने करा, लेकिन उसके बाद भी यही हुआ, मैं गया हुआ था एक इवेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट था, वहाँ पे गया हुआ था, तब भी मैं गाड़ी लेके गया था और तब भी दिल्ली में बारिश आई थी, अगर आपको याद हो तो, एक और बार बारिश आई थी उसके बाद। तो उसके अगले दिन मेरे को जाना था राइड ऑफ आइस तिलक नगर, तब भी ये बीच में पीरागढ़ी में ख़राब हो गई थी। तब क्या हुआ था, स्पार्क प्लग के साइड में पानी जमा हुआ था, बट उसने स्पार्क प्लग उड़ाया नहीं था और जो पानी था वो नीचे चला गया था, जिसकी वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये था पहला रीज़न। ये जो मैंने बाइक के साथ एक साल दो महीने या एक महीना गुजारा है, उसमें दो बार ही ख़राब हुई है। तो ये था पहला रीज़न स्पार्क प्लग का, जो कि मैंने आपको बता दिया। फिर बाद में वो ठीक भी हो गया और उन्होंने बोला, प्लीज़ अपने मेरे को बोला कि अपनी बाइक कवर करो और एक अच्छा मतलब जैसे कहते हैं ना मेंटेन, और एक केयर दो अपनी बाइक को, क्योंकि जैसे एज अ ये 400 cc की बाइक है तो इसको बहुत ज़रूरत है, 400 cc बहुत होता है भाई, पावर देखिए इसकी 160 तो ये ऐसी चली जाती है, और उसके ऊपर खींचे तो 180 चली जाती है, बहुत होती है इतनी स्पीड भाई साहब। तो बढ़ते हो इसके नेक्स्ट पॉइंट में, क्या पॉइंट है कि मैं आपको कह रहा हूँ डोंट बाय दिस बाइक। सो सेकंड रीज़न ये है कि ये जो आपको केज दिख रहा है, ये इंजन केज, ये कुछ दिनों पहले यहाँ से टूट गया था, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि बिल्कुल ही मतलब स्क्रैच आ रखे हैं और ये गया हुआ है पूरा एरिया। तो क्या हुआ था, एक पत्थर जो है मतलब पत्थर इतना बड़ा होगा, कम से कम नहीं इतना बड़ा पत्थर होगा, वो आया उड़ता हुआ आया और सीधा हिट कर गया यहाँ पे। जैसे ही उसने यहाँ पे हिट करा, क्या हुआ कि बिल्कुल कॉर्नर जो होता है ना इसका, एक्चुअली क्या होता है, जो भी थी गया और उसका कॉर्नर तो आपको पता ही है थोड़ा ढीला होता है, बिल्कुल कॉर्नर पे लगा। और सबसे बड़ा नुकसान उस पत्थर का ये था कि वो इसके यहाँ पे भी लगा और इसके अंदर साइड भी लगा, मतलब दोनों साइड लगा, इसलिए पूरा केस चेंज हुआ। ये जो आपको पूरी बार बार की केसिंग दिख रही है, सारी की सारी चेंज हुई, काफ़ी मोटा खर्चा आया। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आई बटन में पॉपअप हो रही है, जाके देखो। सो इस चीज़ की वजह से मेरे को लगा
करीब करीब 18,000-18,500 का खर्चा, जो कि इसका केसिंग का चेंज हुआ, अंदर की पैकिंग चेंज हुई, कूलेंट डला, ऑयल डला नया, वो नारा करते हो 18,000 का खर्चा पड़ा। अगर आपको पूरा बिल देखना है तो ऊपर आई बटन में जो वीडियो आ रही है जाके देखो। ठीक है, ये बात हो गई। ये दो मेजर इशू मैंने अभी तक इस बाइक में झेले हैं, और सबसे बड़ा मतलब जिसे कहते हैं ना भगवान की तरफ से गिफ्ट, की ये दोनों रीज़न मैंने जो है रोड पे झेले हैं। मतलब मैं वहाँ पे अपनी बाइक लेके खड़ा हुआ था इतनी देर से, कोई आने को तैयार नहीं था, मतलब सर्विस सेंटर वाले आ गए थे जब इसकी जो है केस टूटी थी, बट फिर भी यार बहुत डर लगता है क्योंकि महंगी बाइक है, कुछ भी हो सकता है बीच सड़क में खड़े तो। एक KTM का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बताता हूँ, इसकी फ्रेमिंग। एक्चुअली जो इसका फ्रेम है जिस पे इंजन टिका होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ढीला है। ये जो आपको स्क्रू दिख रहा है ये एक बार को तो निकलने का हो गया था, वो तो मैंने देख लिया जब एक खटखट कर रहा था कि भैया ये क्या है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई साहब ये जो इंजन है तीन चीज़ों से ही टिका हुआ है। एक आपको यहाँ पे पेच दिख रहा है, एक ये पेच है और एक ये है, और ये देख सकते हैं ये टूट गया। लेकिन यहाँ पे मैं KTM को थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, एक्चुअली जो KTM के लेग गार्ड्स आते हैं जो कि एक सिंपल ऐसे करके आते हैं, वो वन टाइम यूज़ में होता है। अगर आपकी बाइक कहीं पे भी क्रैश होती है वो तभी के तभी तबाही में चले जाते हैं, वो फट जाते हैं, मतलब बेकार हो जाते हैं एकदम, मतलब टेढ़े मेढ़े, और स्क्रू भी इसी में रह जाता है। लेकिन सेकेंड थिंग, मैंने इसमें जाना लगा रखे हैं, हाँ इससे मेरा क्रैश तो नहीं हुआ लेकिन ठुकी ज़रूर है साइड में, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, ये तो मेरे घर के नीचे गिरी थी तब बच्चों ने गिरा दी थी, यहाँ पे ये देख सकते हो, और आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो है इसका जहाँ पे इंजन टिका होता है वो फ्रेम भी टूटा हुआ है, वो हुआ है जाना की वजह से। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर एक पेच है जो जाना से लगा हुआ है, और इधर एक पेज है जो जाना से लगा, ये दोनों जो है जाना को संभाल के रखते हैं, और इन्होंने ही पूरा का पूरा केज का वो तोड़ दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ इस बाइक में, ये हटा के एक फ्रेम स्लाइडर लगवाऊंगा, दो लगाऊंगा, इस साइड भी टूटा हुआ है, दोनों साइड टूटा हुआ है, तो जाना हटा दूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपनी बाइक में अब और ज़्यादा खर्चा होना। सो अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि बाय और नॉट बाय, जो कि इस वीडियो का टाइटल है कि डोंट बाय KTM ड्यूक 390। अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि लेनी चाहिए। देखो अगर मेरी मानो तो टोटली वर्थ है आपके अंडर 3 लाख की आप ये बाइक लेते हो तो भाई सब पावर है, बहुत कुछ है यार इस बाइक में। एक्सप्लोर करने जाओगे या टेस्ट राइड लोगे या किसी दोस्त के चला के देखोगे ना, यू गोना लव इट, मतलब प्यार हो जाएगा। प्यार एक तरफा प्यार होता है ना, जो शाहरुख खान भाई बोलते हैं अपने, एक तरफा प्यार की ताकत वो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाइक के लुक्स, बाइक की पावर बहुत अच्छी है, बट एक ही काम करना है, अगर आपने बाइक ले रखी है तो आपको इसको जितना हो सके संभाल के रखना है, बिकॉज ये जो बाइक है KTM 250 से, मेरा मानना ये है KTM 250 यानी 200cc की जो भी बाइक है उनको इतनी केयर नहीं चाहिए होती है जितनी KTM 250 से आगे यानी डोमिनार 400, कावासाकी 300, ये KTM ड्यूक 390 को जितनी केयर चाहिए होती है। एक्चुअली पता क्या होता है, इनमें सेंसर्स और इतनी चीज़ें स्क्रू वगैरह होता है ना कि उसकी केयर करनी पड़ती है भाई साहब, बहुत केयर करनी पड़ती है, क्योंकि ये देखो दूसरी वे से देखो, एक अच्छा पावर आपको डिलीवर कर रही है, अच्छे रेट्स में कर रही है, एक अच्छी ऐसी बाइक है जो हाँ मतलब लुक्स में भी इतनी कातिल लगती है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप ये बाइक लेने जा रहे हो एक बार टेस्ट राइड लेके देखो, फिर अपना डिसीजन बनाना, क्योंकि आई नो आपके 3 लाख के अंदर, मतलब मेरे को अभी इसकी प्रॉपर प्राइसिंग नहीं पता, आई थिंक 2.8 लाख है, तो वर्थ है कि नहीं वो आप अपना जब बम टच करोगे ना सीट से और चलाओगे थ्रॉटल खुद से देखो, तब भी समझ में आएगा आपको कि ये बाइक वर्थ है कि नहीं है। ठीक है, अब कुछ ड्रोन शॉट वगैरह एंजॉय करो इसके, मैं विराम लेता हूँ, उसके बाद आउटर कर देंगे, बस बात करना। It's we'll be right back.
रेसिंग स्टाइल में करें एंडिंग, क्योंकि ये ट्रैपॉड पे बहुत रख लिया। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑलवेज वेयर गुड क्वालिटी हेलमेट्स एंड ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट व्हाइल यू ड्राइविंग। बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर योर ऑल सपोर्ट। ड्यूक पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, अगर आप लिखोगे सर्च पे राघव व्लॉग्स ड्यूक तो बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, जाके देखो, मज़ा आएगा। और बहुत ही मेहनत से बनाई है वो भी और ये भी, कि सामान उधर है, बाइक उधर है, ऐसे कर करके तो वीडियो बनाई है। हम तुम्हें एंटरटेनमेंट दे रहे हो, तुम प्यार ही दे दो, इतना ही बहुत है बस, और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। और साथ ही साथ ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, जितने उसे भी करवा सकते हो, जितना आपको मतलब प्यार दिखा सकते हो उतना दिखाओ, बस यही चाहता हूँ। 1 लाख करने 2 जून से पहले, और यस आई एम स्टिल ऑन माई वर्ड्स, 2 जून से पहले 1 लाख इंशाल्लाह हो जाएंगे। बाय गाइस, लव यू ऑल, बैम।